बिहार में धार्मिक स्थल, प्राचीन स्मारक, किले, महल, संग्रहालय आदि के रूप में कई सांस्कृतिक धरोहर विद्यमान हैं। बिहार एक ऐसा राज्य जिसने दुनिया को दो महत्वपूर्ण धर्म, बौद्ध और जैन दिए हैं। बिहार में उम्मीद के मुताबिक एक भी ऐसा जिला आपको नहीं मिलेगा जो दर्शनीय या फिर पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण ना हो। बिहार में ऐसे कई दर्शनीय, ऐतिहासिक और तीर्थ स्थल मौजूद हैं जो कि आपके बिहार पर्यटन को यादगार बना सकते हैं। उन्हीं में से एक है पटना का इस्कॉन टेम्पल। वैसे तो बिहार ऐतिहासिक विरासत और धार्मिक स्थलों के कारण पर्यटन की दृष्टि से हमेशा से एक महत्वपूर्ण स्थल रहा है, लेकिन साल 2022 में बनकर तैयार हुए इस्कॉन टेम्पल ने बिहार के पर्यटन को और भी विस्तार दिया है। मई 2022 में श्री बांके बिहारी जी के भक्तों के लिए बनकर तैयार हुआ इस्कॉन मंदिर आस्था और विश्वास का अद्भुत स्थल है। इस मंदिर की छटा बाहर से ही देखते बनती है, जिसके बाद आपका मन श्री बांके बिहारी जी के दर्शन को उत्तेजित हो जाता है। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस इस्कॉन के उद्देश्य और बिहार सरकार के सहयोग से बनी यह मंदिर बिहार की राजधानी पटना के बुद्ध मार्ग में स्थित है। यह मंदिर कई मायनों में अनूठा है। 12 साल में बनकर तैयार हुए इस 3 मंजिला मंदिर में 84 कमरे और 84 पिलर है। मंदिर बाह्य भाग से जितना खूबसूरत है, उससे भी कई ज्यादा अंदर की खूबसूरती देखते बनती है। मंदिर के पहले मंजिल पर स्थापित श्री बांके बिहारी और राधा रानी की मूर्तियां आपका मन मोह लेंगी। साथ ही शाम की आरती का दृश्य भक्तों की भारी भीड़ में भी आपको अपार शांति की अनुभूति कराएगी। सब कुछ भुलाकर श्री कृष्ण की भक्ति में झूमते भक्तों के साथ आपका भी मन आपको थिरकने पर मजबूर कर देगा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे का मंत्रोच्चारण आपको सरस अनुभूति कराएगी। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस इस्कॉन के उद्देश्य और प्रथाओं को आज से लगभग 550 वर्ष पहले श्री चैतन्य महाप्रभु ने शुरू किया था। इसके बाद श्री कृष्ण भक्ति का पूरे संसार में प्रचार प्रसार करने के लिए भक्ति वेदांत श्रील प्रभुपाद जी ने साल 1966 में न्यूयॉर्क में इस्कॉन सोसाइटी का गठन किया और श्रील प्रभुपाद जी ने भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करके इसे विदेशों तक पहुंचाया। इस्कॉन की मूल्य मान्यताएं भागवत गीता पर आधारित है। इस सोसाइटी ने कृष्ण जी की कई भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया। इस्कॉन सोसाइटी द्वारा ही कृष्ण जी को समर्पित उत्तर प्रदेश के वृंदावन का चंद्रोदय मंदिर विश्व का सबसे ऊँचा, सबसे भव्य मंदिर बनने वाला है, जो कि निर्माणरत है। स्वामी प्रभुपाद जी भारत में कई जगह इस्कॉन मंदिर बनवाना चाहते थे। साल 1975 में उन्होंने वृंदावन में इसका निर्माण करवाया। इसके बाद 1977 में उनका निधन हो गया। इस्कॉन मंदिर परिसर में उनका स्मारक आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद देश में कई जगह इस्कॉन मंदिर का निर्माण करवाया गया, जिनमें ऐसे 11 खूबसूरत इस्कॉन मंदिर में से श्री मायापुरा चंद्रोदय मंदिर मायापुर पश्चिम बंगाल, श्री राधा कृष्ण मंदिर बैंगलोर कर्नाटक, हरे कृष्णा मंदिर अहमदाबाद गुजरात, कृष्ण बलराम मंदिर वृंदावन यूपी, राधिका रमन इस्कॉन मंदिर दिल्ली, इस्कॉन मंदिर चेन्नई, इस्कॉन मंदिर गाजियाबाद यूपी, श्री राधा रास बिहारी मंदिर मुंबई महाराष्ट्र, राधा मदन मोहन मंदिर हैदराबाद तेलंगाना और इस्कॉन मंदिर पटना शामिल है। अगर आपका कभी पटना आना हुआ तो इस्कॉन मंदिर की सुंदरता और खूबसूरती का दर्शन करना ना भूलें। राधे राधे।